कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहिए। आपका 2 सेकंड का क्वेश्चन था, पीओके अक्साई चीन अब तक वापस क्यों नहीं लाए, और आप उसको कितना देर में कह रहे थे, बहुत ज्यादा टाइम लिए ना। तो जब आदमी रिप्रेजेंट करने लगता है ना कहीं पे, तो बहुत कम टाइमिंग होता है। तो हम तो आपको बता देते हैं, कल को आप मान के चाहिए कहीं डीएम ऑफिस के पास जाएंगे, कोई एप्लीकेशन लेके उसको कहिएगा, सर प्रणाम, हम फलाना जगह से आए हैं, ये काम है। अरे कुछ काम धाम नहीं, सीधा उठिए, टॉपिक पे आइए, सर पॉइंट पे, ठीक है। इनका पॉइंट पीओके क्यों, देखिए पीओके को ना लाने का 2 रीजन था। एक कि वहां पे अमेरिका बैठा हुआ था, और शुरुआत में अमेरिका से हमारा रिलेशन अच्छा नहीं था, अभी ना हो गया रिलेशन अच्छा। जो बाइडन हो गया है तो फिर वो पाकिस्तानी की ओर बह जाएगा, जो बाइडन पाकिस्तान और ईरान का फेवर करते हैं। तो एक हम लोग को ये था कि भाई पीओके को जाने का मतलब पाकिस्तान अमेरिका से डायरेक्ट दुश्मनी हो जाएगी। दूसरा, हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे जो वहां जा सके, खैर पाकिस्तान से लड़ने के लिए हम लोग पर्याप्त थे। लेकिन आप बात समझिए, हम लोग जो अभी का दौर देख रहे हैं, अभी का दौर 1984 के पास के वक्त तक में पाकिस्तान के अंदर मतलब करप्शन उतना नहीं था, इस वजह से उसकी सेना और हमारी सेना मतलब कभी भी वो पीछे था, लेकिन इतना भी बर्बाद नहीं था जितना अभी है। तो भारत इंतजार कर रहा है कि धीरे धीरे वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा, तब हम लोग उस पर आक्रमण करें। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि वो मुकदमा अभी चल रहा है कहाँ पर, यूएन में। आपके घर में अगर आपके यहाँ पे अगर कोई चीज कोर्ट में चल रही होती है, तो आप उसको अपने से फरिया नहीं सकते, समझते हैं ना, फिर इन कोर्ट वाला क्या कर देगा, स्टे लगा देगा, मतलब रोक दो, जो जैसा है वैसे ही रोक दो। तो आप देखते होंगे कोई कोई पुल है, सड़क है, मकान है, आधा बन के लटका हुआ है, क्या, तो भैया मुकदमा चल रहा है, ना आप उसे बेच सकते हैं ना फरिया सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। तो ये पीओके का। दूसरा अक्साई चीन क्यों नहीं ला सके, भाई साहब वो अक्साई चीन की बात हम आपसे क्या कहें, हम लोग गजब गजब बात बोल देते हैं, हम बोलेंगे तो मोदी जी गुस्सा जाएंगे कि हमारा विरोध कर रहा है, हमारा गलत बात बोला, लेकिन उस समय हमने भी नहीं बोला, लेकिन मोदी जी ने गलत स्टेटमेंट दिया था। मोदी जी लद्दाख गए थे और यहां कह रहे थे कि चीन 1 इंच भी नहीं घुसा है। मोदी जी 1962 में वो 10% कब्जा कर लिया है, क्या आप इस बात को स्वीकार कर लिए कि हम नहीं लाएंगे उसे, ये उनका गलत स्टेटमेंट था। हम बोले कैसे उस वक्त, हम कहे कि नहीं अभी नहीं बोलना चाहिए, भाई हमारे देश के मुखिया हैं, अभी माहौल ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बाद में हिसाब लेंगे। समझ में, आप क्या आप इस स्टेटमेंट से संतुष्ट हैं कि चीन हमें, अरे भाई आप कह कैसे दिए कि चीन हमारा 1 इंच भी नहीं घुसा है। हाँ, ये बोलते कि 1962 की स्थिति के बाद आगे नहीं आया तो एक समझ में आता है, वो चुट्टा कहीं का इधर कह रहा है कि हथेली है या अंगुरी है या सोचा तुरा कमर तुर देंगे हम, तू उंगली पे बैग में रखता है, तो ये गलत है। तो हम लोग थोड़ा सा चाइना के प्रति सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि चाइना में करप्शन बहुत कम है और वहां पे सेना वगैरह